हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप जो है मैकबुक में एंड मैक ओएस में जो है विडजेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है मैकबुक में यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको टच पैड पर टू फिंगर को टच करना है एक साथ यहाँ पर। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं विडजेट्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर इतने सारे विडजेट्स जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर से कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉक्स है, कैलेंडर है, तो यहाँ पर मैं क्लॉक को आपको ऐड कर बताऊँगा। फर्स्ट वाली जो क्लॉक है उसको जो है ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक ऐड हो गई है। अभी यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर जो प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसको रिमूव करना है, तो आपको जो है मैकबुक में टच पैड पर टू फिंगर से टच करना है। फिर आपको यहाँ पर रिमूव विडजेट्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विडजेट्स रिमूव हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इजीली मैकबुक में एंड मैक ओएस में विडजेट्स ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।